अपनी बुद्धि का सदुपयोग क्या करना है, कि यह जो स्थिति वृद्धावस्था में हमारे साथ बनती है इसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर रहे कि ऐसा भी समय हमारे जीवन में आ सकता है। और आपके बेटा बेटी बहुत लायक भी हैं, मैं ये नहीं कहता सबके बच्चे अच्छे नहीं है, अगर बहुत अच्छे भी हैं तो जीवन में एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब आप चाहकर भी एक कदम चल नहीं पाओगे, चाहकर करवट नहीं ले पाओगे जैसे छोटे बच्चे की स्थिति होती है, चाहकर कुछ खा नहीं पाओगे, चाहकर कुछ बोल नहीं पाओगे। संतान कितनी भी अच्छी है सिर्फ आपके ऊपर पैसा लगा सकती, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। आपके क्षण भर के कष्ट को भी कोई नहीं हर सकता है। कुछ कहना चाह रहे हो, आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन उस स्थिति में भी एक चीज है जो आपका साथ हमेशा देगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक श्वास चलेगी तब तक भजन के रूप में भगवान का नाम चलेगा बंधु। इसलिए भजन जीवन में बहुत जरूरी है। और मरते समय सबसे आखिरी व्यक्ति जिससे आप मिलोगे वो आपका भजन है, वो आपके भगवान का नाम है। और मृत्यु के बाद जब आप यमपुरी पहुंचोगे, यहाँ से विदा भी वो करेगा और आपसे पहले पहुंचकर सबसे पहले आपकी वहां व्यवस्था करेगा, कौन? आपका नाम।